use the given data and your knowledge of mathematics to choose among the possible answers quantity first is the discount given by a shopkeeper on an article was 16% and the profit earned by the shopkeeper was 47% if the shopkeeper marked the price of the article rupees 600 more than the cost price of the article then find at what Percent more than the cost price the article was marked. Quantity second is the discount given by the shopkeeper was rupees 1580 more than the profit earned by the shopkeeper. If the cost price of the article was rupees 800 and profit earned by the shopkeeper was 13.75%, then find the discount. परसेंट गिवेन बाई द शॉपकीपर चार ऑप्शन गिवेन है और इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग काम करते हैं क्वांटिटी वन पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां से क्वांटिटी वन क्वांटिटी वन में हमें फाइंड करना है मार्कअप परसेंटेज तो यहां से डायरेक्ट हम लिखेंगे सीपी अपॉन एम का रेशियो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस ये बराबर होगा हंड्रेड माइनस डिस्काउंट परसेंटेज तो यहां से डिस्काउंट हो रहा है सोलह परसेंट का सोलह परसेंट का डिस्काउंट है तो हंड्रेड माइनस सिक्सटीन करेंगे डिवाइड कर देंगे इसको हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज तो हंड्रेड प्लस प्रॉफिट हो रहा है फोर्टी सेवन परसेंटेज का यहां से सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा हमारे पास फोर रेशियो सेवन तो यहां से हम देख सकते हैं चार की चीज को सात में मार्क किया जा रहा है तो यहां से मार्कअप हो गया सेवेंटी फाइव परसेंटेज का यानी क्वांटिटी वन क्वांटिटी वन आ गई है सेवेंटी फाइव परसेंटेज अब हम लोग काम करते हैं क्वांटिटी टू पर क्वांटिटी टू में हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज क्वांटिटी टू पर आते हैं यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस सीपी प्रॉफिट एस पी और एम पी तो यहां पर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की गिवन है आठ सौ रुपए तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस इस पर तेरह पॉइंट सात परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि तेरह पॉइंट सात परसेंट ऑफ आठ सौ निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक सौ दस एक सौ दस का प्रॉफिट हुआ यानी सेलिंग प्राइस आ गई नौ सौ दस रुपए अब इस प्रॉफिट से पंद्रह सौ अस्सी रुपए ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ पर हम निकालते हैं डिस्काउंट की वैल्यू डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी एक सौ दस प्लस पंद्रह सौ अस्सी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सोलह सौ नब्बे सोलह सौ नब्बे का डिस्काउंट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं सोलह सौ नब्बे प्लस नौ सौ दस कर देंगे तो मार्क प्राइस हो जाएगी छब्बीस सौ की छब्बीस सौ की चीज़ को नौ सौ दस में यहाँ पर सेल किया जा रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा सिक्सटी फाइव परसेंटेज और ये सिक्सटी फाइव परसेंटेज हो जाएगी क्वांटिटी टू की वैल्यू क्वांटिटी टू हो गई हमारे पास सिक्सटी फाइव परसेंटेज क्वांटिटी वन सेवेंटी फाइव है क्वांटिटी टू सिक्सटी फाइव है तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है क्वांटिटी वन बड़ी है अब हम लोग मैच करते हैं अपने ऑप्शंस सो ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू विल बी द राइट आंसर ओके थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं अब नए सवाल के साथ क्लास 6 से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर